वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जस्ट रुपये। तो ये देख सकते हो, तो ये मेरा बाइक होंडा शाइन 100, जो कि मतलब कि 22,000 किलोमीटर हमने चला लिया है और एक साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो क्योंकि मेरा एक बाइक का एक प्रॉब्लम इशू आ गया है, जो कि मतलब कि मेरा फ्रंट ब्रेक का जो ब्रेक लीवर है वो बड़ा टूट गया है। हम आपको दिखा देंगे अच्छे से। ये मेरा जो क्लच है, क्लच लीवर, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन मेरा बाइक मतलब कि राइट हैंड साइड में एक बार गिरा था, तो गिरने की वजह से थोड़ा टूट गया था और बाकी चलाते चलाते बाकी पूरा ही टूट गया। हम बाइक को ऑन कर लेते हैं। और एक प्रॉब्लम हुआ है, पहले हम लीवर के बारे में बोल देते हैं। तो ये इस लीवर का हो गया मेरा 15 दिन हो गया टूट गया, ये देख सकते हो बहुत ख़राब से टूटा है, लेकिन केबल में हम एडजस्ट करके चला रहे हैं, क्योंकि 15 दिन हो गया हम ये ढूंढ रहे हैं मेरा बाइक का पार्ट्स, जो कि होंडा शाइन 100 है, अभी पार्ट्स नहीं मिल रहा है। मेरा एक बाइक का, इस बाइक का पहला भी एक प्रॉब्लम हुआ था, ईसीयू का प्रॉब्लम हुआ था, तब भी ईसीयू का रिले का प्रॉब्लम हुआ था, तब भी मतलब कि सेम हुआ था, पार्ट्स नहीं मिलता है। तो ये होंडा का बाइक का थोड़ा एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब कि पार्ट्स का अवेलेबल ना होना। तो जो होंडा बाइक लेना चाहते हैं तो वो आप लोग का सिटी में देख लीजिए कि होंडा का पार्ट्स मिलता है कि नहीं। अभी मुझे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर में, उधर में जाके देखेंगे कि क्या होता है। ये देखिए क्लच लीवर भी टूट गया है, आधा आधे टूटा है, ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये पार्ट्स का प्रॉब्लम आ गया है, ये मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि इसका जो सेल्फ रिले होता है, जहाँ इसी के साथ लगा रहता है, वो भी मतलब कि ख़राब हो गया था। तो हम उस जो बड़ा सर्विस सेंटर है उधर पर भी नहीं मिला, उन लोगों ने मुझे बहुत दूर से लगे दिया है। तो ये नॉर्मल आपका मैकेनिक शॉप में नहीं मिलता है, तो ये ख़राब बात है। मेरा बाकी मतलब मेरा हेडलाइट का प्रॉब्लम ये आ गया है कि हेडलाइट बल्ब मतलब जिसको कोई भी मतलब शॉप में मिल जाएगा, उसको प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है कि लीवर अभी कितना दिन के बाद मिलता है। अभी जाना पड़ेगा 100 किलोमीटर दूर मेरे सर्विस सेंटर में, तो मान लीजिए 100 किलोमीटर मेरा 300 रुपये का पेट्रोल पैसे चला जाएगा। तो ये होंडा का मतलब कि पार्ट्स का अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये होंडा बाइक बहुत लोग चला रहा है। तो ये एक मेरा बाइक का होंडा सन की प्रॉब्लम है कि पार्ट्स नहीं मिल रहा। तो ठीक है, इधर लेकिन वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।